हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने जाना है फटाफट घर, क्योंकि वहाँ पूजा होने वाली है ना। अचानक पूजा हुई शायद, क्योंकि मुझे भी कल शाम ही पता चला कि हमारी पूजा है। पता नहीं मुझे मतलब इतना झटका लगा ना, मैंने कहा भाई यार ये कौन सी बात हुई कि कल को पूजा है और आज शाम 7:30 8 बजे के आसपास मुझे बताएगा। तो अभी फटाफट जस्ट उठाऊँ मैं, अब हाथ मुँह धोता हूँ, फिर उसके बाद मैंने जाना है चाची लोगों के वहाँ पे, फिर वहाँ से सीधे NDT, NDT से गाड़ी मिलेगी, फिर सीधे घर। मतलब फटाफट जाना है, मैं जल्दी उठ गया हूँ। मतलब उठना मुझे इससे भी जल्दी था, 7:13 हो गया है, 7:13 मतलब तैयार होने लग गया हूँ। उठना मुझे लगभग 6 बजे के आसपास चाहिए था, तब मैं निकल पाता था जल्दी। तो फटाफट निकलते हैं, हम हाथ मुँह धोते हैं। अभी तो फिलहाल इसमें हाथ मुँह भी धोया है, हाथ मुँह भी धो लिया मैंने, और अब फटाफट जूते पहनते हैं फिर निकलते हैं घर को, क्योंकि आज पूजा में मेरे 2 फायदे होने वाले हैं। क्योंकि मैंने 1-2 साल से मीट भी छोड़ा था ना, तो फिर मैंने मीट इसलिए छोड़ा था कि मंगलवार को हनुमान जी का फास्ट करता था, व्रत करता था, तो तब छोड़ा था मतलब। तो फिर उसके बाद विराट में गया मैं, अल्मोड़े के विराट वाले क्या होटल में, उससे मैंने उससे मंगाई वेज चाउमीन। पर ऊपर से भाई पनीर के पीस देख के ऐसा मन कर रहा था कि भाई आज से यही खाऊंगा। जैसे ही वहाँ पे गया, ले मिक्सअप, उसमें मतलब चिकन चाउमीन भी मिल गई मुझे लास्ट में। जब खा सका उसके बाद 2-3 पीस चिकन के दिख रहे, मैं कह रहा हूँ यार भाई ये है क्या। मतलब जब ध्यान से देखा तो चिकन मैंने मतलब इतना अजीब वो पड़ा ना, मुझे 2 साल से हनुमान जी की वो व्रत के चक्कर में छोड़ा था ना, तो फिर खाना ही पड़ा। अभी भी खाता हूँ, अब तो खाता ही हूँ, क्योंकि खाने में कोई वो नहीं है, बस हनुमान जी के चक्कर में छोड़ा था मैंने उनके फास्टिंग में, कि फास्ट करता हूँ तो मीट नहीं खाना चाहिए ना, इससे दूरी रहो ना, अंडा खाता था ना कुछ, तो आप सब शुरुआत कर दिए। तो आज वहाँ जाके फिर से भगवान का चढ़ाया हुआ मीट खाने वाला हूँ, कि पूजा होने वाली है ना, तो उसके द्वारा। और अभी फटाफट जूते पहनता हूँ मैं। तो गाइस अब निकल भी चुका हूँ मैं, सबसे पहले चाची के वहाँ जाना है, क्योंकि सृष्टि भी आ रही है हमारी छोटी बहनों। भाई बहुत अच्छी हो, उससे मिलोगे ना, शादी में तो दिखाया है आप लोगों को, आज फिर से दिखाऊंगा। एक थक गया हूँ मैं, और बैग इतना भारी, मतलब भारी नहीं हो रहा, बड़ा हो रहा, क्योंकि इसमें खाली बोतल है ना 3-4, और 2-3 मेरे कपड़े, 2-3 किताबें, ये सीन हो रहा। तो फटाफट निकलते हैं चाची के वहाँ को। पहुँच चुका हूँ चाची लोगों के यहाँ पे, हमारी चाची जी और सिस्टू, हमारी सिस्टू हेलो तो बोलते हेलो, गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा, गुड मॉर्निंग। कार्टून नंबर 1 हमारी है, एक है ना कार्टून नंबर 2, पिंकी पिंकी फंकी, यू आर ए डंकी। अब यहाँ से निकल गए हैं, अब फटाफट मिलते हैं आप लोगों को सीधे पूजा के स्थान पर। पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे मंदिर में सब, और यहाँ पे पुराना स्कूल है जब हम पहले पढ़ते थे, हम भी ऐसी लाइन लगाते थे। सबसे पहले जूते खोल लेते हैं, यहाँ पे काना भी आ गया हमारा, हेलो बोले, गुड मॉर्निंग बोल। लाइक शेयर, आज हमारे साथ सिस्टू आई है, सिस्टू भी जुड़ गई है, और ये प्रेयर हम भी करते थे यहाँ पे, जो अभी यहाँ पे के बच्चे कर रहे हैं। ये पीछा ना कहो भाई, पूजा पाठ भी हो गई है, और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक भी लेके हम आप घर को, अब मतलब यहाँ बनता नहीं है ना मीट, अब घर में ही बनेगा। गाइस घर भी पहुँच चुके हैं, और हमारा ब्रूनो बहुत खुश हो गया, हेलो ब्रूनो, अभी मिलने जाता हूँ उसे। तो अब यहाँ पे पहले उतने माल्टे थे, अब माल्टे भी गए हैं, और टाइगर थे यहाँ पे। अरे हाय, हम ब्रूनो से मिलते हैं। अरे हाय, हेलो भाई, क्या कर रहा, बस रे बस बस बस, अम्मा जी हमारी अलग किलटो कुराओ अलमड़ भैया ही सिद्धे अलग वहां का जो हो पूछ में गया था है हो गया तो आप तो नंगे पर से चाहता सुनो रखो हो आओ मां बूढ़ी होगी ना, आप कहां जानते हैं। तो यहाँ पे तो ये बकरियों के संग खेलने लग गई है सृष्टि हमारी। सृष्टि कैसी लगी, ले जा तू अलमड़े को, सृष्टि ओ सृष्टि खुश होगी हो, पहला चाची पहला रे सृष्टि, गुड
पहुंच के मैंने कपड़े वपड़े भी चेंज कर दिए और पापा लोगों ने अब खाना बनाने की तैयारी हो गई है, मतलब मीट बनाने की। अब आज खाना हम क्या खाएंगे? मीट। मजा आएगा, डिंगल डिंग डिंग मजा आएगा। अब आपको दिखाते हैं मीट बनाना। यहाँ पे लगे पड़े हैं सब लोग, यहाँ पे खाना बनने लग गया है और मैं जा रहा हूँ दीदी को लेने खाना। और मैं जा रहे क्योंकि दीदी ने छुट्टी नहीं ली थी ना, तो फटाफट दीदी को भी ले आया और खाना को जोरदार टॉस लगी है। ये इसने टॉयलेट निकाल दिया है। वहाँ गुणाबाद से कह रहा था ये कि हेलो हेलो बच्चे ना गौर दादा कह रहे, तो गुणाबाद से कह रहा था ये कि दादा टॉयलेट लगी है। मैंने कहा भाई अभी रोकूंगा यहाँ पे रोकी। कैसा लगा है? क्या हुआ चीची? तो इसकी आज वाट लग गई है, आज इसकी बेइज्जती होगी तगड़ी वाली। अब फटाफट चलते हैं हम घर, खाना वाना बन गया होगा। अभी हम फिर से जाने लग गए हैं क्यों मेरा कांड हुआ था, क्योंकि सुबह जिस टाइम मैं आया मैंने चाची का बैग भी निकाला, दूसरा बैग भी निकाला, बट अपना बैग निकालना भूल गया था। अभी फिर से जाना पड़ रहा है घोड़ाबाज, क्योंकि किस्मत अच्छी थी वो ये तो टॉयलेट गया। मेरी किस्मत अच्छी थी मतलब कि वो गाड़ी नंबर मुझे याद हो गया था ना, मैं बाहर उतरा, मैंने मजाक में पढ़ा रियल में, मुझे कोई वो नहीं था कि हाँ भाई ऐसा भी होगा करके। मैं उतरा, मैंने कहा यार इस गाड़ी का नंबर क्या है, उस गाड़ी का नंबर देखा, वो नंबर ज़रा याद हो गया था। फिर उसके बाद उनकी थोड़ा दो तीन बातें भी सुनी ना, इंजीनियरिंग करके तो इंजीनियर थे शायद कहीं के, तब उसके चक्कर में पता वता किया। उसके बाद पता चला हाँ भाई वो वहाँ चले गए, भनोली साइड को चले गए, फ़ोन नंबर किया, नंबर मांगा, तो फाइनली अभी वो वहाँ से भनोली से वापस आ रहे ना, कहीं चेकिंग करने के लिए गए होंगे। तो अब फटाफट मैं जाता हूँ घोड़ाबाज पे, उनको कॉल उनका नंबर ले लिया मैंने, फिर उन्हें कॉल कर लूँगा वहाँ पे पहुँच के। तो भाई बहुत मतलब क्या बताना, इतना बुरा लगा था ना मुझे, मतलब मैंने पूजा के टाइम में मेरा मूड ऑफ हो गया था। पर अभी भाई उस बैग में मेरे चार्जर भी थे, कपड़े भी थे, बड़े मुश्किल से दो तीन कॉपी किताब लाया था वो भी थे, और यहाँ पे हमारे बड़े यूट्यूबर जिनके 5K होने वाले हैं बहुत जल्द, रोशन भैया हमारे, रोशन चाचा जी। तो भाई फाइनली घर भी पहुँच चुका हूँ भाई। बैग मेरा वो जब मैं फर्स्ट टाइम सिक्स में गया था ना एडमिशन, मैंने हलमुड़ा लिया था, तो तब से चल रहा है वो मेरा बैग। तो कह गया था मुझे इतना अजीब हो गया था, मतलब क्या बताया, बहुत बुरा लग गया था। सामान भी था ना मेरा कुछ चार्जर वार्जर इस टाइप का। तो अभी हम जा रहे हैं टाइगर को, मतलब टाइगर और राकेश तो खुले रहते हैं, ब्रूनो को घुमाने। क्या जा रहे हैं? ब्रूनो को घुमाने जा रहे हैं। तो फटाफट निकलते हैं अब। गाइस ब्रूनो को घुमा के भी आ गया हूं, और ब्रूनो यहां पे रख दी। अरे अम्मा मेरी बेइज्जती यार, मतलब अम्मा ये बेइज्जती कर देती है मेरे ऐसा करने में यार। मैं लाशो पड़ रहा है यूनियो वो ले। हाय दादू। हेलो। देखा यार वो दादी और भाई एक बैठ गया। जा हमारे बहुत फेंक दिया अम्मा, बहुत हंसरी भाई यार। अम्मा मतलब ऐसा करने में बहुत हंस जाती है, बस अम्मा के सामने ऐसा कर दो ना भाई, अम्मा हंसते हंसते पागल हो जाती है। और बुन्नू भी बैठ गया यहाँ पे सोने लगे हैं। अब मैं तब तक हाथ में धोता हूँ, फिर दिया जलाता हूँ, खाना वाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। भाई अभी हमारे शाम के टाइम पे मोहित भाई भी आ गए यहाँ पे। हम इस रूम को बहुत मिस करता हूँ अलमोड़े में भाई, मेरा सेपरेट रूम। और ये उस दिन से लोटा भी यहीं है भाई। एक दिन पानी पीने के लिए लाया, और लैपटॉप के बैग भी यहीं है, जितनी चीज़ मैं यहाँ लाया था वो सब यहीं है। यह लैपटॉप भी इसके अंदर ही है भाई, मज़ा आ गया। मतलब मेरे रूम में किसी ने एंट्री नहीं की है। अब आराम से घुस जाते हैं चारपाई के अंदर दरवाजा बंद करके। और मोहित भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। मोहित भाई के तो आजकल पेपर हो रहे ना हमारे, तो 3 तारीख से हैं लगभग। हाँ 3 तारीख से हैं, डेट आ गई है लगभग, क्या 3 तारीख से इनके तो बोर्ड है वाले हैं, इनके प्री बोर्ड हो रही ना अभी, प्री बोर्ड चल रहे इनके। फिर अभी तो खाना खाते हैं, फिर अभी बना नहीं है, बनने के बाद खाते हैं। ओके थोड़ा देर यहाँ पे बैठ गए थे हम, आधे एक घंटा बातचीत कर रहे थे दोनों। अब खाना बन गया करके आवाज़ आ गई ना, अब खाना वाना खाने के लिए जाते हैं। तो गाइस खाना पीना भी हो चुके हैं, और मोहित भाई को हम उनके वहाँ छोड़ने भी चले गए थे ना, दादा और मैं गए, क्योंकि अकेले जाने में डर लगता है भाई, रात में ये 10:05 बचे हैं बस। तो अब सोने की तैयारी होगी, क्योंकि आज पापा मेरे संग सोने वाले हैं,
मेरे रूम में यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप की वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। बाय।